हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो अपने आप पे आप देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर का स्टॉक जो है फिर से हमें हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहा है। इस गिरावट का क्या कारण है इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 80-82 के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी और स्टॉक सीधा 129 रुपए तक जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं ब्रेकआउट की कोशिश होती है लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मिलता। ये देखिएगा, यहाँ पर एक बार फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया लेकिन फिर से फाइनली गिरावट हुई और इस गिरावट के बाद आप देखेंगे 110 रुपए तक स्टॉक जाता है, फिर नीचे की तरफ लौट करके आया 105 रुपए पर रेजिस्टेंस फेस करके एक बार फिर से 82 रुपए तक स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। एक बार फिर आपने देखा लगभग 105-106 तक स्टॉक गया था और यहाँ से फिर से धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर अभी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो फिर अभी आपको देखना है कि जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। यदि स्टॉक इसके नीचे की तरफ मूव कर जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक आपको नीचे की तरफ 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेड लाइन है यहां तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब 86-82 तक स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके उल्टा यदि स्टॉक फिर से एक बार 105-106 के लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ यहां से, तब डेफिनेटली आपको स्टॉक एक बार फिर से 129 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। यदि स्टॉक में 105 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिखता है तब हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं 129 के टारगेट के लिए, या फिर अगर गिरावट होती है तो उस गिरावट में 82 के आसपास यदि स्टॉक हमें दिखाई देगा तो हम डेफिनेटली बाइंग करके ऊपर की तरफ टारगेट रख सकते हैं 110 रुपए तक के एक बार फिर से।